उसे था माँ बाप की जान का डर, वो माँ बाप की करती थी चिंता, वो इंस्टाग्राम पर करते थे चैट, सहेली की बहन का फोन करती थी इस्तेमाल। राजधानी दिल्ली में साक्षी हत्याकांड का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इस केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई बातें सामने आ रही हैं। साक्षी को कई दिनों से साहिल धमकियां दे रहा था, उसको अपने साथ अपने माँ बाप की जान का भी खतरा था। हत्या से करीब 15 दिन पहले साक्षी अपनी सहेली के यहाँ रह रही थी। उसकी सहेली की बहन ने इस बारे में कई अहम खुलासे किए हैं। उसने बताया कि साहिल साक्षी को धमकियां दे रहा था, लेकिन वो शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहती थी, उसको माँ बाप की जान की चिंता थी। साहिल और साक्षी इंस्टाग्राम पर चैट करते थे, उसके पास फोन नहीं था, इस वजह से वो अपनी सहेली की बहन का फोन इस्तेमाल करती थी। साक्षी ने कहा कि वो साहिल से बात नहीं करना चाहती है। महिला ने आगे कहा कि साक्षी कम से कम 14-15 दिनों से मेरे घर पर थी, मैं उसे अपनी बहन से ज्यादा प्यार करती थी। 27 मई को उसने मुझे साहिल के बारे में बताया। साक्षी ने कहा था कि दीदी मुझे साहिल से बात नहीं करनी है, उसने धमकी वाली बात भी बताई थी। उन्होंने साक्षी को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी, लेकिन उसको लगातार अपनी माँ और पिता की जान को खतरे का डर सता रहा था। उसने कहा कि साहिल अच्छा इंसान नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, वो इस घटना के बाद से काफी परेशान है और आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करती है। वहीं दूसरी ओर आरोपी साहिल की मौसी ने कहा कि उसे अपने किए का गंभीर परिणाम भुगतना होगा, उसे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में शाहबाद डेयरी इलाके में साहिल ने 20 सड़क पर चाकू से 20 वार कर साक्षी की हत्या कर दी थी, इसके बाद उसने उसे पत्थर से कुचला। ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।